हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूं कि कैसे हमने प्रेपरेशन करनी है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, कैसे हमारा नेट क्लियर होगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, काफी स्टूडेंट्स इस बार के एग्जाम में, एग्जाम देने के बाद जब स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुई तो वहां से क्लियर हो रहा था, काफी चीजें पता चल रही थी भी क्या क्या चीजें हैं जिनके कारण किसी का नेट नहीं हुआ और किन स्टूडेंट्स का हुआ है, तो क्या उसके पीछे रीजंस रहे हैं। पहली चीज तो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस है, जैसे मैंने पहले वीडियो पोस्ट की है कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आपके पास बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, स्टिल आपने एग्जाम दे दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि जब भी आप प्रेपरेशन करते हो, क्योंकि एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर तो सब्जेक्टिव हो तो आप उसमें डिस्क्रिप्टिव अपनी नॉलेज सारी लिख सकते हो जो आपने पढ़ी है। एग्जाम क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ थ्योरी को, बुक को पूरा पढ़ के जाना सफिशिएंट नहीं होता। मेन पॉइंट्स हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, तो उन चीजों को हमने एग्जाम के लिए कवर करना होता है, राइट। तो अभी जो मैंने पोस्ट डाली थी एक बुक्स के ऊपर भी, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, तो स्टूडेंट्स सभी सोच रहे हैं कि हमने ए टू जेड उस बुक को सारी को ही रीड करना है, तो दैट इज नॉट राइट अप्रोच। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं पहले बैचेस में मेरे पास जो कि जिन्होंने बोला कि मैम हमने तो पूरी पूरी बुक फॉलो की थी फिर भी हमारा नेट नहीं हुआ, एग्जाम में जाके हम पजल हो गए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ग्राफिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपने पूरी बुक को स्टडी नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, और हर एक सब्जेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने एग्जाम के लिए कवर करना है, राइट। जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए हम किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, अरिथमेटिक एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें क्या होगा, आपको मेन पॉइंट्स उठाने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चनिंग आती है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि उसमें इंटीजर रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चनिंग आती है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, लॉजिक फैमिलीज पे, बूलियन अलजेब्रा पे, ठीक है, बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं, एक्सओआर गेट और एक्सनॉर गेट पे काफी क्वेश्चनिंग आती है। तो आपको इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल दूंगी इन टॉपिक्स की। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एआई के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो डाली हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, स्मार्ट स्टडी में पहली चीज तो आ गई कि हमने क्या क्या पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी बुक की स्टडी नहीं करनी। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, लिमिटेड टाइम है। दूसरी बात, पहली चीज तो होगी कि क्या क्या पढ़ना है, दूसरी चीज जब आप पढ़ रहे हो तो उनमें से उन कुछ मेन पॉइंट्स के आपने नोट्स बनाने हैं साथ में, तो नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो आपके लिए एग्जाम वक्त बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि एग्जाम से दो दिन पहले, तीन दिन पहले आपने सारे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू होना है और उन नोट्स से ही गो थ्रू होना है। और ये लगा लीजिए, जब आप उन नोट्स की रिवीजन करोगे तो पूरी की पूरी बुक आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से बुक उठाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज हमने क्या करनी है, हमने बुक्स फॉलो कर ली, अपने नोट्स बना लिए हैं लास्ट मिनट पे जो हमारे काम आएंगे। तीसरी चीज हमने क्या करनी है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको आपने सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, अगर क्वेश्चन रिपीट भी ना हो तो क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट चेंज करके उसी क्वेश्चन को डाला जाता है बार बार। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, आपने देखा होगा एआई में एक टर्म है अल्फा बीटा प्रूनिंग, अल्फा बीटा प्रूनिंग पे ये लगा लीजिए कि 7 बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ चुका लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, और ऐसे आपने मतलब इन चीजों को दिमाग में रख के स्मार्ट स्टडी करनी है, गो थ्रू होना है बुक से, अपने नोट्स बनाने हैं,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ऐसे हमने काम करना है। इस आगे है कि अब हमने बुक स्टडी कर ली, नोट्स बना लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए, बुक्स कौन कौन सी स्टडी करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 20-22 सब्जेक्ट आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। 20-22 भी हमने ले लिया और उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट में हर कोई मास्टर नहीं होता। आप लोगों को क्या करना है, इनमें से वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चनिंग आती है एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, पहले भी मैंने वीडियो में डिटेल डाली थी कि क्या क्या वो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें से क्वेश्चनिंग पहले से आ रही है। अगर हम 2004 से लेके अब तक के एग्जाम में जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको एनालिसिस करें तो क्या क्या क्वेश्चनिंग किन किन बुक्स में से, किन किन सब्जेक्ट में से आती है। तो 2004 से लेके अब तक, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर अरिथमेटिक एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट रहा है, DBMS इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट है। ये पांच सब्जेक्ट ऐसे हैं जो, और एक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इतने इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ UGC नेट बल्कि कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई और टीचिंग के पोस्ट के लिए एग्जाम हो, किसी तरह का कोई भी एग्जाम हो, उनमें इन सब्जेक्ट में से क्वेश्चनिंग आती है। तो ये लगा लीजिए कि ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों ने स्टडी में सबसे ऊपर इनको प्रायोरिटी देनी है अगर हम 2004 से अब तक का एनालिसिस करते हैं। और अगर हम 2012 जब से ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव था थर्ड पेपर, 2012 के बाद सब्जेक्टिव हो गया, तो उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक, AI, ऑटोमेटा की वेटेज पहले भी थी लेकिन कम थी एज कंपेयर टू दीज सब्जेक्ट्स। तो ऑटोमेटा, ये सब्जेक्ट भी इस लिस्ट में हमारी में शामिल हो चुके हैं। तो इन चीजों को दिमाग में रख के हमने इन सब्जेक्ट्स को वेटेज देनी है, क्योंकि अब 2018 में क्या हो चुका, थर्ड पेपर खत्म हो चुका जो यहाँ पे था, तो पेपर का पैटर्न जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया। सब्जेक्ट जो पेपर 2+3 था वो अब एक पेपर 1 चुका है, जस्ट पेपर 2। तो पेपर 2 में हमने एनालिसिस किया, उसमें सेम हमें यही चीज मिली कि जो 2004 से सिस्टम चल रहा था, स्ट्रेटेजी चल रही थी एग्जाम की, जिन सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस तब थी अब भी उन सब्जेक्ट्स की वैल्यू पूरी उतनी ही है, क्योंकि हमें सभी को पता है AI एक एमर्जिंग टॉपिक है। तो इसमें से भी जैसे अब इस बार 10 क्वेश्चंस आए थे और बाकी सब्जेक्ट्स की वेटेज भी मैंने आपको दी हुई है ऑलरेडी वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। टोटल 24 सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, 24-25 सब्जेक्ट्स थे, उनमें से हमने ये लगा लीजिए कि 10 चूज कर लिए, राइट। तो इनको आपने प्रायोरिटी देनी है सबसे ऊपर। और फिर क्योंकि इस बार की स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, राइट। आई थिंक इतने में आपके काफी डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की डिटेल चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में से हमने नेटवर्किंग का क्या पढ़ना है, आर्किटेक्चर का क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या पढ़ना है, आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, जो भी आपको कोई भी डाउट हो फ्यूचर वीडियोज में, ठीक है। तो इस मेथड से आप स्मार्ट स्टडी करिए और आपका नेट अच्छे से आप एग्जाम देकर आइए और होपफुली आप उसको क्रैक भी कर सकोगे, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक्स अ लॉट।